तो दोस्तों एक नए चैप्टर में आपका स्वागत है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हो बीकॉम के पर्पस से, बीए के पर्पस से, जो आपके इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है कि जीडीपी और कीमत स्तर, जो कि अल्पकाल और दीर्घकाल में कैसा रहता है, इनके बीच में संबंध क्या होता है, किसके बीच में। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, और कीमत में अल्पकाल और दीर्घकाल यानी आपका जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन होता है उसमें क्या रिलेशन देखने को मिलता है। तो वही लिखा हुआ है जीडीपी एंड प्राइस लेवल इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। क्लियर है, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, पार्ट नंबर वन में बनाने जा रहा हूं, ठीक है। और धीरे धीरे इसके जितने भी पार्ट्स बनने होंगे वो मैं बना दूंगा, ठीक है। बट देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे कि ये जो चैप्टर है, देखो मैं इजी वे में बनाने की कोशिश करूंगा, पूरी जितना आसान हो सके यहीं पर समझ में आ जाए ऐसा बनाऊंगा। मगर आपको भी ना, देखो आपके पास इसके जो बुक होगी ना पड़ी होगी जहां तक है, ठीक है, तो उस चैप्टर की, इस चैप्टर की पीडीएफ ना हो सके तो मुझे क्या नाम है भेज जरूर देना, ठीक है। चाहे आप मेल करके भेजो, ठीक है, आप व्हाट्सएप पे भेजो, चाहे आप मुझे इंस्टा पे भेजो, बट मुझे ना उसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है। इमेज फॉर्म में दो, पीडीएफ फॉर्म में दो, कैसे भी दो, बट इस चैप्टर की जरूर देना ताकि एक बार मैं इसको चेक कर लूँ कि जितना मैंने पढ़ाया वो कंप्लीट है या नहीं है। क्लियर हो गया, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जीडीपी और कीमत स्तर अल्पकाल तथा दीर्घकाल में। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो हमें बेसिक पता होनी चाहिए इस चैप्टर में वो है एग्रीगेट डिमांड। क्या है एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडी। यहां पे क्या लिखवाया मैंने, ये लिखवाया कि एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, यहां पे वर्ड जो लिखा हुआ है वो है एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था के द्वारा यानी जो आपकी इकोनॉमी है उसके द्वारा समस्त वस्तुओं और सेवाओं की मांग का कुल जोड़ समग्र मांग कहलाता है। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो कभी भी आप समष्टि के अंदर कोई भी डेफिनेशन देते हो तो एक साल की बात जरूर करनी होती है, ये आपको समझ में आता है। तो एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में जो भी आपका एक अर्थव्यवस्था के द्वारा जो भी समस्त वस्तुओं और सेवाओं की मांग की जाती है तो उसका कुल जोड़ क्या कहलाता है, समग्र मांग कहलाता है। आप इसको याद रख सकते हो, नहीं तो मैंने एक डेफिनेशन और लिखवाई है वो भी देख सकते हो कि एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में एक देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, एक देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर, यानी जिसको खरीदेंगे तभी तो मांग होगी ना, तो खरीद पर किए गए कुल व्यय को, खरीद पर किए गए कुल व्यय को समग्र मांग कहते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर करो पहले तो, ठीक है, हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है ताकि हमें समझ में आ जाए होना क्या है इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड, मैंने क्या बोला, एक लेखा वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक अर्थव्यवस्था के द्वारा समस्त यानी समस्त मतलब सभी वस्तुओं और सेवाओं की मांग का कुल जोड़ समग्र मांग कहलाता है। या ये लिख लो, ये लिख सकते हो, एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में एक देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित जितनी भी वस्तु और सेवाएं होती है उनकी खरीद पर किए गए व्यय को क्या कहते हैं, समग्र मांग कहते हैं। यहां तक समझ में आता है। इसके बाद मैंने कहा समग्र मांग को बेटा कुल मांग बोल लो, समस्त मांग बोल लो या सामूहिक मांग बोल लो, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो समग्र मांग को आप कुल मांग, समस्त मांग या सामूहिक मांग, जो भी आपको अच्छा लगे ये आप बोल सकते हो, इस नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं समग्र मांग के घटक। तो समग्र मांग के बेटा चार घटक होते हैं, ठीक है, जो कि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में भी देखने को मिलेगा और थियोरिटिकल पोर्शन तो है ही है। तो पहला है निजी यानी पारिवारिक व्यक्तिगत बोल सकते हो उपभोग व्यय, दूसरा है आपका निजी निवेश व्यय, तीसरा है सरकारी यानी सार्वजनिक व्यय, और चौथा है आपका शुद्ध निर्यात। यानी ये चार घटक है आपके पास। पहला कौन सा है, निजी, निजी को पारिवारिक बोल सकते हो या व्यक्तिगत बोल सकते हो। उपभोग व्यय जिसको हम किससे दिखाते हैं बेटा, सी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं, यानी कंजम्पशन। निजी निवेश व्यय, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, इसको हम दिखाते हैं बेटा आई से। फिर उसका आता है सरकारी यानी सार्वजनिक व्यय, जिसको हम दिखाते हैं जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, यानी जी से। और शुद्ध निर्यात को बेटा एनई, एनई मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट, समझ में आता है। तो ये शुद्ध निर्यात हो गया। ये चार घटक है, इनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा डीप, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है डीप जानने की, ये मैं ऑलरेडी और चैप्टरों में बता चुका हूँ, ठीक है, इवन क्लास 12th में भी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो इनके डीप तो नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो बस ये नाम याद रख लेना, चार है इसके, निजी उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात। यहाँ तक समझ में आता है, तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ यहीं पे याद करवाने के पर्पज से बस, ठीक है। समग्र मांग एक लेखा वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था के द्वारा समस्त वस्तुओं और सेवाओं की मांग का कुल जोड़ क्या कहलाता है, समग्र मांग कहलाता है। ये लिख लो या ये लिख सकते हो, एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में एक देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर किए गए कुल व्यय को क्या कहते हैं, समग्र मांग कहते हैं। समग्र मांग को कुल मांग, समस्त मांग, सामूहिक मांग ये भी बोल सकते हो आप। देन समग्र मांग के घटक चार घटक होते हैं, निजी उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात। यहां तक समझ में आता है, चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ उसको।
आप सामने देखना दिया ध्यान से, ठीक है। इसमें लिखा मैंने AD is equal to, जो चारों कंपोनेंट है इससे ही फॉर्मूला बन रहा है, यानी C plus I plus G plus net export, यानी NE, ठीक है ना। इसी तरह से आप याद रखो कि बहुत बच्चे बोलते हैं क्या हम ये इंग्लिश के लेटर यूज कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल कर सकते हो बेटा, बुक यूज करती है आप यूज कर सकते हो, हमने यूज किया था सब यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से तो A plus, C plus I plus G plus NE, NE मतलब बेटा यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट होता है, जिसका मतलब होता है एक्सपोर्ट, यानी ठीक है। NE मतलब क्या होता है, शुद्ध निर्यात होता है, शुद्ध निर्यात होता है, यानी NE होता है शुद्ध निर्यात, जिसका मतलब होता है एक्सपोर्ट यानी निर्यात, जिसको हम X बोलते हैं, माइनस आयात जिसको हम M बोलते हैं। तो शुद्ध निर्यात कैसे निकलता है, निर्यात माइनस आयात करके, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये बात समझ में आती है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा AD का फॉर्मूला C प्लस आई भी हो सकता है बेटा, जब C प्लस आई होता है ये दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में होता है बेटा, कब होता है, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा क्या, C प्लस आई, पहले दो घटक जुड़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद C प्लस आई प्लस जी, ये भी आपको मिल सकता है। ये कब होता है बेटा आपका, तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, क्या होगी, तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, और ये वाला जो होता है बेटा इसको बोलते हैं चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। तो पेपर में कई बार आता है दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समझाओ, तो आप बोलोगे दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र, पहले समग्र मांग की डेफिनेशन लिखी, फिर दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, इसके अंतर्गत दो घटक पाए जाते हैं, एक तो आपका निजी निवेश, निजी उपभोग व्यय, और दूसरा निजी निवेश व्यय, ये आपको दो मिलेंगे। तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर निजी उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय और सरकारी व्यय, ये तीनों दिखेंगे, और चार में ये चार दिखेंगे, समझ में आ गया। तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में ये दिखेगा, तीन में ये दिखेगा, चार में दिखेगा, जो पहले के जो दो है ये, ठीक है। उसके बाद एक लाइन और लिख सकते हो कि इनको क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था, ये बंद अर्थव्यवस्था होती है क्योंकि क्योंकि इनका बाहरी क्षेत्र से, बाहरी क्षेत्र यानी जो शेष विश्व क्षेत्र है, कौन सा, शेष विश्व क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, यानी इसमें शेष विश्व क्षेत्र आपका शामिल नहीं होता। तो इसको, इन दोनों को, स्टार्टिंग वालों को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं क्योंकि इनका बाहरी क्षेत्र यानी शेष विश्व क्षेत्र के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता, ये शामिल नहीं होता बेटा, एनई नहीं आता। बट जो चौथा है इसमें नेट एक्सपोर्ट यानी बाहरी क्षेत्र भी आ रहा है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट बाहर देश को करते हो ना, तो इसमें बाहरी क्षेत्र भी आ रहा है, इसलिए नीचे वाले को क्या कहता है बेटा, खुली अर्थव्यवस्था, क्या कहते हैं, ये खुली अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। क्योंकि आप लिख सकते हो कि इसको खुली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं क्योंकि इसका शेष विश्व जो क्षेत्र है के साथ लेन देन होता है, क्या होता है, लेन देन होता है, होता है, ठीक है ना। तो खुली अर्थव्यवस्था क्यों बोला, क्योंकि इसका शेष विश्व क्षेत्र के साथ लेन देन होता है। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो बेटा। तो पहले दो आपके बंद अर्थव्यवस्था हो गए, C प्लस आई और C प्लस आई प्लस जी, और जो नीचे वाला है, ठीक है, वो आपका खुली अर्थव्यवस्था हो गया। पहले दो बंद अर्थव्यवस्था C प्लस आई और C प्लस आई प्लस जी, ये बंद अर्थव्यवस्था का पार्ट है, दो क्षेत्र और तीन क्षेत्र, चार क्षेत्र क्या बेटा आपका, खुली अर्थव्यवस्था, क्योंकि उसका शेष विश्व क्षेत्र के साथ लेन देन होता है, ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है बेटा, फटाफट से नोट डाउन करते रहिए। अब आगे देखिए, दूसरी डेफिनेशन आपके सामने है समग्र पूर्ति की बेटा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई, क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई यानी AS, ये कह रहा है समग्र पूर्ति से अभिप्राय, वही लाइन, एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में, एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में, समग्र, समग्र मतलब कुल वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से है बेटा, प्रवाह मतलब होता है फ्लो यानी बहना, ठीक है, बहना, ठीक है ना। तो समग्र पूर्ति से अभिप्राय एक लेखा वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, देखो साल तो डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमें डिफाइन करना पड़ता है, में वस्तुओं और, यानी कौन से वस्तु, कुल वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से है, यानी जो आप इकोनॉमी में वस्तु सेवा इधर से उधर जो फ्लो होती रहती है ना, उसके प्रवाह के, उसके कुल प्रवाह को क्या कहते हैं, समग्र पूर्ति कहते हैं। समग्र पूर्ति को समस्त पूर्ति, कुल पूर्ति या सामूहिक पूर्ति भी कहते हैं, समग्र पूर्ति को कुल पूर्ति,
समस्त पूर्ति या सामूहिक पूर्ति भी कहते हैं। तो एक लेखा वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है। इसने बोला समग्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ये भी लिख सकते हो, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र वस्तु और सेवाओं के प्रवाह है। अगर आप जोड़ना चाहो तो लिख लो, एक लेखा वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को क्या कहते हैं, समग्र पूर्ति कहते हैं। डेफिनेशन याद हो रही है ना, चलो। समग्र पूर्ति के दो घटक होते हैं बच्चे, एक होता है आपका उपभोग यानी सी, एक होता है बचत यानी एस। एक होता है उपभोग और एक होता है बचत। यानी अगर हम समग्र पूर्ति की अगर हम बात करें तो इसको हम ए एस बोल रहे हैं और इसका फॉर्मूला हो रहा है हमारा सी प्लस एस, यानी उपभोग प्लस बचत, ठीक है ना। यहीं पे एक चीज और याद रखना, जब हम ग्राफ बनाएंगे इस चैप्टर में तो आपको ए एस की जगह कहीं पे कहीं वाई दिखा हुआ दिखेगा, तो वाई क्यों दिखता है वो भी बता देता हूं यहीं पे। वाई भी बेटा आपका सी प्लस एस के बराबर होता है, वाई भी क्या होता है सी प्लस एस के बराबर होता है। इसीलिए अब देखो ए एस भी सी प्लस एस के बराबर है, वाई भी सी प्लस एस के बराबर है, इसका मतलब ए एस और वाई आपस में बराबर होते हैं। तो और कहीं पे अगर ए एस की जगह वाई लिखा है तो ये मत सोचना ग्राफ कुछ अलग अलग से बन रहे हैं, कुछ अलग अलग नहीं बनेंगे, ठीक है ना। कोई अलग ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, वो नाम ही इसका ए एस को वाई भी कह सकते हैं, इसीलिए क्या है वहां पे कहीं कहीं पे वाई लिखा मिलेगा आपको जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है ना। दूसरा, वाई इक्वल टू सी प्लस एस क्यों होता है, चलो ए एस का तो पता है इसके दो कॉम्पोनेंट होते हैं उपभोग और बचत, इसलिए यहाँ पे सी प्लस एस है, बट वाई में क्यों है इसका रीजन भी देख लेना है। मैंने कहा बेटा अगर आप मान लो 1000 रुपए कमाते हो, कमाना मतलब वाई इनकम, वाई मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे इनकम होता है राष्ट्रीय आय, बेटा क्या होती है राष्ट्रीय आय, लिख लो वाई बराबर यहाँ पे राष्ट्रीय आय बोलो, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आय घरेलू आय जो बोलना चाहो बोलो, वैसे यहाँ पे राष्ट्रीय आय होता है, ठीक है भाई मतलब। तो यहाँ पे अगर आपने 1000 रुपए कमाए जिसमें से 600 खाए, खाए मतलब कंजम्पशन, तो उसका मतलब 400 बचाए सेविंग, तो बन तो रहा है फॉर्मूला कि आप जितना भी कमाते हो उसमें से कुछ खाते हो और कुछ क्या करते हो बचाते हो। खाने का मतलब बेटा सिर्फ खाना नहीं होता, कपड़े लेके आना भी वही कंजम्पशन होता है, कपड़े लेके आए, अपनी सहूलियत की चीजें लाए, वो सब कंजम्पशन होता है। तो जितना आपने कमाया उसमें से कुछ खाया और कुछ बचा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज करो आपने 50,000 रुपए कमाए जिसमें से मान लो 35,000 रुपए की जरूरत की चीजें लेके आए, यानी खाए पिए, ठीक है, और 15,000 रुपए बचाए, ठीक है। तो ये सेविंग हो गया, कंजम्पशन हो गया और ये इनकम हो गया, है ना। इसका मतलब ये होता है कि हमेशा ये देखने को मिल रहा हमें कि वाई इज इक्वल टू क्या होता है सी प्लस एस, समझ में आ गया। तो वाई भी सी प्लस एस के बराबर होता है, ए एस भी सी प्लस एस के बराबर होता है, इसलिए ए एस और वाई आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, समझ में आ गया। ग्राफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक थ्योरी देना चाहता हूं ताकि समझ में आए ग्राफ बन क्यों रहे उलपटांग से, ठीक है, कभी कुछ, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 1 मैं ये पे खत्म कर देता हूं, मुझे एक्चुअली बैच लेना है, वरना मैं थोड़ा और बढ़ाने वाला था इस पार्ट को, बट मैं इसको यहीं पे खत्म कर देता हूं, ठीक है, मुझे फेस टू फेस बैच लेना है क्योंकि। तो मिलते हैं फिर पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।